आदरणीय शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के चैप्टर क्रमांक 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुल अंक 9 निर्धारित हैं और इसमें परीक्षा के अंतर्गत 1 अंक का 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते बात करते हैं इसमें 1 अंक वाले प्रश्नों की, जो कि सूत्र जो हैं उस पर आधारित हैं और इन सूत्रों का याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। इन सूत्रों के आधार पर ही आपके प्रश्नों के जवाब आप 1 अंक के दे पाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पहला वृत्त की परिधि 2πr होती है और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब यदि हम वृत्त के चतुर्थांश की बात करें, आप देख रहे हैं ये एरिया इसका 1/4 पार्ट कहलाता है, तो हम क्षेत्रफल का 1/4 कर दें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी तरीके से यदि हम हाफ कर दें इसके आधार पे, तो इसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 1/2 πr². अब इसके बाद यदि हम वृत्त के चाप की लंबाई की बात करें, तो चाप की लंबाई आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार के चाप हैं यहाँ पे इस तरीके से, और एक लघु चाप एक दीर्घ चाप। तो यहाँ पे चाप की लंबाई हम बात करेंगे, अगर कोण थीटा लेके चलें तो θ/360 गुणित परिधि अर्थात 2πr। और इसी तरीके से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की बात करें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणित πr². ये जो हमारा थीटा कोण वाला त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल θ/360 गुणित πr² लिख रहे हैं, इसको हम लघु त्रिज्याखंड के नाम से जान रहे हैं। और यदि हम बाकी के हिस्से की बात करें तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसका सूत्र 2019 में पूछा गया था, जिसमें πr² अर्थात पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को यदि घटा दें तो हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऋण संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल के। और यदि हमें पूछा गया है कि 1 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, तो हम लिख देंगे कि 1 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया कोण 6 अंश का होता है। तो इस तरीके से ये 1 अंक पर आधारित प्रश्न थे। अब बात करते हैं हम 3 अंक के प्रश्न की, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वर्ष परीक्षा में अवश्य ही आने की संभावना है। और पिछले वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अगला प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न, इसमें 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसके बाद इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर क्षेत्रफलों का योग कह रहा था, तो ऊपर वाले आपने प्रश्न में देखा कि उसमें परिधि का योग कहा था। अब इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 2019 में पूछा गया, जो कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी ऊपर हमने जैसा कि सूत्र में बताया था कि हम πr² में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो इस आधार पर इसका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 4 अंक में आने वाले प्रश्नों की, इसमें आप 4 अंक में आने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना अवश्य रहेगी। यह आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति दिख रही है, एक आपको यहाँ पे वर्ग दिखाई दे रहा है ABCD, इसमें
इस तरीके से अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और एपीडी और पीपीडी दो अर्धवृत्त हैं, तब इस स्थिति में हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद अगली आकृति दी गई है, जिसमें दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो यहाँ पे ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर अर्थात इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करके हम निकाल लेंगे। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले के वर्गाकार घास के मैदान, यहाँ पे मीटर होना चाहिए, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। तो ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे घोड़ा इस रस्सी से बंधा हुआ है और इस एरिए को का घास वह खा सकता है। तो हम यहाँ पे अगर वृत्त निकालेंगे, वृत्त बनाएंगे, तो यहाँ पे 1/4 निकल आएगा, वृत्त का एक चौथाई भाग निकल के आता है क्योंकि वर्गाकार मैदान है। तो इसके अनुसार हम मैदान के उस घास का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे तो घास उस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में आप देख रहे हैं आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके केंद्र ए बी सी डी केंद्र मानकर हमने वृत्त बना दिया और इस वृत्त में चतुर्थांश चारों के जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों को दो वृत्तों के बाहरी रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लाल वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इसका आंसर आपको निकल आएगा। अब पाँचवा प्रश्न इसमें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से 2019 में पूछा गया था, जिसको आप देख रहे हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रश्न 2019 में आया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप देख रहे हैं एक आकृति दिख रही है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों के क्रम से दो चाप हैं। तो आप देख रहे हैं इस आकृति में यदि ए ओ बी का मान 30 अंश है, इस कोण का मान 30 अंश है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस छायांकित भाग, लाल वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप बहुत इजी मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को माइनस कर दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस प्रकार ये अध्याय के प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एवं शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।